Hello friends, welcome to our Young IAS YouTube channel. In this video, we will discuss regarding NDA maths questions. So, what we are going to do is, through MCQs, we are trying to understand concepts and to learn tricks to solve these most expected questions which continuously has been appearing to various NDA papers. Okay, so today we will be discussing around 5 questions and we will try to learn some 5 different ways to solve the same question but in small amount of time. Okay, so today what we are taking the questions from are the past year papers from 2019. Okay, so we will solve around 5 questions which appear every year in NDA maths section, and we will find the easiest way to solve that and learn something new today. Okay, so what the first question says is, the first question is about number series. Number series questions, every year you can expect one question from number series. Okay, so in number series, the series is given 25, 125, 625 and 3125. Okay, so हम लोग को ये सीरीज दी गई है जिसमें हमको nth टर्म फाइंड करना है. ओके, सो अगर हम लोग को मीन्स इफ वी गो स्टेप बाय स्टेप टू डिकोड दिस क्वेश्चन, सो हम लोग अगर पहले लाइन से चालू करते हैं तो nth टर्म का मतलब क्या है. nth टर्म का मतलब है कि n कोई वैल्यू है. ओके, फर्स्ट जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म. ओके ओके, जो सेकेंड होगा उसको सेकेंड टर्म, जो थर्ड होगा उसको थर्ड टर्म, फोर्थ होगा उसको फोर्थ टर्म. वैसे ही कोई nth पोजीशन पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, nth टर्म. ओके, सो हमको n का वैल्यू कैसे होगा, वन m का वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे n तक और आगे जितने भी नंबर्स हमको फाइंड करने हैं वैसे. ओके, सो इस प्रकार होगा. सो हमको क्या दिया गया है, हमको सीरीज दिया गया है 25, 125, 625 एंड माइनस 3125. ओके, यहाँ पे भी माइनस है. ओके, सो पहले हम लोग माइनस भूल जाते हैं और जो सिर्फ नंबर्स है न्यूमेरिक में कुछ पैटर्न हमको दिख रहा है. ओके, सो लेट्स फाइंड कि कुछ पैटर्न हमको दिख रहा है क्या. तो एक सिंपलर पैटर्न हम देख के यहाँ पे डिकोड कर सकते हैं कि ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं. ओके, तो 5 के टर्म्स में इन लोगों को ब्रेक डाउन करते हैं. ओके, और एज ऑफ नाउ जो नेगेटिव साइंस है उसको इग्नोर करते हैं और सिर्फ जो उसको 5 के टर्म्स में ब्रेक डाउन करके उसको फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट उसको पहले उतना सॉल्व कर लेते हैं, मतलब जो हाफ पार्ट है क्वेश्चन का, हाफ पार्ट है उतना सॉल्व कर लेते हैं पहला. ओके, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप वैसे भी नहीं देखेंगे सिर्फ ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस में भी दिया जो नंबर सीरीज है उसका एक पैटर्न दिया गया है, तो उसमें दो पार्ट है, एक तो माइनस वाला पार्ट है और एक फाइव का पार्ट है. तो इससे भी ऑब्वियस हो जाता है कि फाइव के फैक्टर्स में हमको उनका पैटर्न डिड्यूस करना है. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन इन टर्म्स ऑफ फाइव. 25 क्या होगा, 5 × 5. ओके, 125 इज 25 × 5 विच इज 5 × 5 × 5, 3 × 5. 625 होगा 4 × 5. ओके, और 3125 होगा 5 × 5. फाइन, सो इसी तरह nth टर्म क्या होगा, देखो जो फर्स्ट टर्म था वहां पे 5 दो बार आए थे, जो सेकेंड टर्म था वहां पे 5 3 बार आए थे, जो थर्ड टर्म था वहां पे 5 4 बार आए थे. तो जो nth टर्म होगा वहाँ पे 5 n+1 टाइम आएंगे. ओके, इतना हम लोग कंफर्टेबली बोल सकते हैं कि जो भी टर्म का लोकेशन था उसके जो मल्टीपल्स थे वो उससे एक पोजीशन आगे थे. जो सेकेंड था वहाँ पे 3 बार फाइव थे, जो थर्ड था वहाँ पे 4 बार फाइव थे, जो फोर्थ पोजीशन था वहाँ पे 5 बार फाइव थे. ओके, सो एक हम लोग को पोजीशन मिल गया है, ठीक है, एक पार्ट मिल गया है, ठीक है. सो हम लोग इससे ऑप्शंस को देखते हैं, 5 n+1 कहाँ कहाँ पे, 3 ऑप्शंस में. ओके, तो एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया. अभी हम लोग को जो सेकेंड पार्ट है वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, इतने से हम लोग आंसर नहीं फाइंड कर सकते. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट क्या है कि माइनस का साइन. तो माइनस का साइन कैसे फ्रैक्शन में है, पहले टर्म +1 है, दूसरा टर्म -1 है, तीसरा टर्म +1 है और चौथा टर्म -1 है.
ओके मतलब माइनस वन इंटू ट्वेंटी फाइव सॉरी प्लस वन इंटू ट्वेंटी फाइव माइनस वन इंटू वन ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू वन और थ्री वन टू फाइव इंटू माइनस वन ऐसे मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस के फॉर्म में. तो जो पहला टर्म है वो पॉजिटिव है ओके दूसरा टर्म है वो नेगेटिव है तीसरा टर्म पॉजिटिव है चौथा टर्म नेगेटिव है ओके सो हमको पहला टर्म पॉजिटिव चाहिए. तो पहला टर्म हमको पॉजिटिव चाहिए सब फ्रैक्शन जो भी मल्टीपल्स होंगे वो माइनस वन के टर्म्स में. तो हम लोग माइनस वन के टर्म्स में कुछ रिलेशन हमको फाइंड करना है इतना हम लोग को पता चल गया. तो पहला टर्म जो एन का वैल्यू होगा वन होगा वो हमको जीरो कैसे मिलेगा वो हमको जीरो कैसे मिलेगा एन का वैल्यू जीरो कैसे मिलेगा. अगर हर एक जगह पे एन का वैल्यू एक से बढ़ रहा है तो उसका जो लोकेशन है उसको हम लोग एक से कम कर देंगे तो मे बी वी कैन फाइंड डैट. मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. इफ़ वी टेक एन एज अ एन माइनस वन और एन प्लस वन कोई भी माइनस के टर्म को प्लस मतलब उसका साइन अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग प्लस माइनस वन करके कर सकते हैं ठीक है. ये आप ट्राई भी कर सकते हो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके. तो अगर हम लोग का एन का वैल्यू यहाँ पे प्लस वन है ओके तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का एन का वैल्यू क्या होगा फर्स्ट टर्म पे एन का वैल्यू वन होगा. वन माइनस वन जीरो माइनस वन रेज टू जीरो इज वन ओके. तो ये तो आपको पता होगा एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन ठीक है. ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे. आपको अगर इसके बारे में जानना है कि माइनस वन रेज टू जीरो वन ही क्यों होता है ठीक है उसके लिए हम लोग मतलब एक स्पेसिफिक लेक्चर कर सकते हैं. आप अगर स्पेसिफिकली हमको बताएंगे तो आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ आपको डिटेल में जानना है ठीक है. सो वी कैन कंडक्ट अ लेक्चर फॉर दैट बट एज ऑफ नाउ यू कैन रिमेंबर दिस एज अ रूल एनीथिंग रेज टू जीरो ए रेज टू जीरो इज वन ठीक है. ए का वैल्यू कुछ भी होने दो ओके एनीथिंग काउंटेबल नंबर फाइनाइट नंबर रेज टू जीरो इज वन ठीक है. इवन जीरो रेज टू जीरो इज ऑल्सो वन ठीक है. तो इसके बारे में भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे अगर स्पेसिफिकली जो पावर्स का कोई लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग मे भी डिस्कस कर सकते हैं कि एनीथिंग रेज टू जीरो वन ही क्यों होता है जीरो रेज टू जीरो वन ही क्यों होता है ओके. सो एज ऑफ नाउ हमको दो पार्ट्स मिल गए ठीक है. ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है दोनों को साथ में मिला के लिखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा ओके. सो ये कहाँ पे मिल रहा है हमको आंसर डी ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी है ओके. लेट्स गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है हमको एक सेट दिया गया है वन टू थ्री फोर और वो उसका रिलेशन फाइंड करना है ओके. हमको रिलेशन भी दिया गया है उसका क्या रिलेशन होगा और वो रिलेशन का क्या है मतलब वो रिलेशन का फीचर्स क्या है या उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है ये हमको बताना है कि वो सिमेट्रिक है ट्रांजिट है रिफ्लेक्सिव है ओके. सो आपको ये सब चीज़ें समझने के पहले आपको मतलब बेसिकली रिफ्लेक्सिव क्या होता है सिमेट्रिक क्या होता है ट्रांजिटिविटी क्या होता है ठीक है. तो ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है ठीक है. अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होगी सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं है बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. आपको कंसेप्ट पता होगा देन यू कैन डेफिनेटली सॉल्व ओके. सो एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये बेसिकली सेट सेट के क्वेश्चंस है ओके. सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से आपको दो से तीन क्वेश्चंस हर बार मैथ्स में दिखाई देंगे ठीक है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डेफिनेटली करना चाहिए ओके. सो रिफ्लेक्सिविटी का बेसिकली क्या होता है रिफ्लेक्सिविटी मतलब कि अगर कोई टर्म दिया गया है मतलब x दिया गया है x इज वन एंड टू ठीक है. तो उसके रिलेशन में जो जो उसके ये रहेंगे मतलब उसके रिलेशन में जितने भी सेट्स बनते रहेंगे उसके जो भी फैक्टर्स रहेंगे ठीक है उसके फैक्टर्स का सिमिलर रिफ्लेक्सिव का मतलब बेसिकली एक जैसा दूसरा सिमिलर रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्सिव मतलब बेसिकली एक जैसा तो वन होगा तो वन वन उसके रिलेशन में होना चाहिए या उसका बेसिकली एक सुपर सेट जैसा होना चाहिए टू का टू टू होना चाहिए. तो कभी भी जो भी वैल्यूज़ होंगे सेट के तो उसके जो भी एलिमेंट्स है उसका सिमिलर एलिमेंट हुआ वहाँ पे होना चाहिए उसके रिलेशन में ओके. सो हमको ये फाइंड करना है ठीक है. सिमेट्रिसिटी में क्या बोलता है सिमेट्रिसिटी में बोलता है कि अगर x वन टू है ठीक है ये रिफ्लेक्सिव का हो गया
ओके। और सिमेट्री का क्या बोलता है, सिमेट्री का बोलता है कि 1-2 है तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव सेट, जो हमारा रिलेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, वहाँ पे 1-2 और उसका सिमेट्रिकल जो रिलेशन है 2-1, मतलब वही फैक्टर का उल्टा। ए बी अगर है, ए बी उसके फैक्टर्स है या ए बी उसके एलिमेंट्स है, तो उसके रिलेशन में बी ए भी उसमें मेंशन होना चाहिए। 1-2 अगर है तो 2-1 भी उसमें होना चाहिए। ओके तो ये कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिविटी में सिंपल है कि जो भी एलिमेंट है उसका सिमिलर एलिमेंट होना चाहिए। काफ़ी सिंपल चीज़ है, ठीक है, इधर ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट याद रख लो, आपको काफ़ी ईजिली आप सम सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा वो जो बेसिक डेफिनेशन है वो सब चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, आप काफ़ी ईजिली सेल थ्रू कर सकते हो। ओके और थर्ड पार्ट हो गया ट्रांजिटिविटी। ओके सो ट्रांजिटिविटी में क्या बोलता है, ट्रांजिटिविटी में बोलता है कि एक्स अगर एलिमेंट है या एक्स हमारे पास कोई सेट है, ओके 1-2-3, ठीक है, सो इफ आर में 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, तो 1 से 3 भी होना चाहिए। ओके सो अगर कोई 1 से 2 जा रहा है एलिमेंट, 2 से 3 जा रहा है, तो 3 से 1 भी होना चाहिए। ओके तो कोई इसमें अगर ये दो फैक्टर्स है और उसके आगे वाले फैक्टर्स है, तो ये दोनों फैक्टर्स का रिलेशन बन रहा है, तो जो फर्स्ट और थर्ड है वो भी होना चाहिए, वो रिलेशन भी होना चाहिए। ओके सो मोटा मोटी आपको कंसेप्ट तो समझ गया होगा कि कोई भी एलिमेंट है अगर उसका सिमिलर एलिमेंट होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक है मतलब वो एलिमेंट है उसका उल्टा जो एलिमेंट बनेगा वो एलिमेंट उसमें होगा तो सिमेट्रिक है। और ट्रांजिट में बेसिकली 1-2, 2-3 होगा तो 3-1 भी होना चाहिए। ओके तो इतना नॉलेज लेके हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ओके सो हमको एलिमेंट्स क्या दिए गए हैं, 1-2-3-4। ओके सो 1-2-3-4 दिए गए हैं, तो इसको अगर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का सिमिलर एलिमेंट उसमें होना चाहिए, ठीक है, जो हम लोग ने यहाँ पे देखा 1-2-2, 1-2 है तो 1-1, 2-2 होना चाहिए, ठीक है। सो क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, 1-1 है, 2-2 होना चाहिए, 2-2 है, 3-3 होना चाहिए, 3-3 है, 4-4 होना चाहिए, 4-4 नहीं है, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। ओके फर्स्ट कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। सिमेट्री है क्या देखते हैं। ओके सो सिमेट्री में बेसिकली अगर 1-2 है तो 2-1 होना चाहिए, 1-2 है तो 2-1 है। ओके 2-3 है तो 3-2 होना चाहिए, 3-2 भी है। ओके तो अगर 1-2 मेंशनड है तो 2-1 होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट उसका दिया है वो दूसरा होना चाहिए, ठीक है। तो जो एक्चुअल एलिमेंट है उसका उल्टा एलिमेंट भी है। ओके 1-1 है तो 1-1 है, 2-2 है तो 2-2 है, 3-3 है तो 3-3 है, ठीक है। ये एक्चुअली बेसिक क्वालिटी है सिमेट्रिसिटी का कि a into a, मतलब a into a होगा या 1-1 होगा, 1-1 होगा तो वो उसका सिमेट्रिस भी 1-1 ही होगा। वो एलिमेंट को उल्टा करके लिखोगे तो भी तुमको वही एलिमेंट मिलने वाला है। तो एज सच जो पहले तीन है वो भी वो एनी सिचुएशन में सिमेट्री ही होते हैं। ओके सो जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गया है, सॉरी सिमेट्रिक का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। ओके ट्रांजिटिविटी का कंडीशन देखते हैं। ओके 1-1, 1-2, 2-2, ओके ये हो गया। 1-2 है और 2-3 है। ओके सो 1-2 है, 2-3 है, तो 1-3 भी होना चाहिए। ओके सो 1-2 है, 2-3 है, लेकिन 1-3 नहीं है। ओके सो ये ट्रांजिट नहीं है। ओके ओके सो हमारा ये क्या कंडीशन बनता है कि ये बेसिकली नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिट बट सिमेट्रिक। ओके नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिट नॉट सिमेट ओनली सिमेट्रिक। सो हमारा डी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके आई होप सो आपको इतने कंसेप्ट में वो इतने कंसेप्ट के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व किया गया आपको समझ में आया रहेगा। ऐसे ही कोई क्वेश्चन रहेंगे तो आप इतने ही नॉलेज के साथ आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए ऐसा उसमें। सो
थर्ड क्वेश्चन भी एक्चुअली सेट का ही है. इसमें भी हमको रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी फाइंड करनी है. ओके, सो हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिट, इसका मीनिंग तो समझ गया. ओके, आई होप सो आपको मीनिंग समझ गया होगा. रिफ्लेक्सिव मतलब सिमिलर एलिमेंट होना चाहिए, सिमेट्रिक मतलब वो अगर वो एलिमेंट एक्स वाई पे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वाई एक्स पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए. और ट्रांजिट मतलब अगर वो एलिमेंट 1, 2 से ट्रैवल कर रहा है, 2, 3 से ट्रैवल कर रहा है तो 1, 3 का भी कंडीशन वो सेटिस्फाई करना चाहिए. हम लोग जब ये न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे तो आपको कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिट क्या होता है और सिमेट्रिक क्या होता है. ओके, सो रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है. रिफ्लेक्स क्यू का मतलब जो एक्स का वैल्यू होगा वही वाई का वैल्यू होगा. ओके, सो लेट्स हम लोग ये इक्वेशन में एक्स का वैल्यू वाई के टर्म्स में सेटिस्फाई डाल के देखते हैं कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या. सो इक्वेशन हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y² इक्वल टू 0. ओके, सो एक्स के टर्म्स में हम लोग वाई सब्सटीट्यूट करते हैं. सो इट विल बिकम y² माइनस 4y इंटू वाई प्लस 3y² इक्वल टू 0, विच इज़ ये दोनों को ऐड कर दिया 4y² इक्वल टू 4y², इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है. ओके ओके, सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है हमारी. हम लोग सेकेंड कंडीशन देखते हैं. सेकेंड कंडीशन में क्या हमको बोला गया है, अगर एक्स वाई के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन इट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई वाई एक्स. ओके, तो हम लोग इसकी वैल्यूज इंटरचेंज करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है. ओके, सो द इक्वेशन में एक्स के जगह पे वाई डालेंगे, वाई के जगह पे एक्स डालेंगे तो आएगा हमको y² माइनस 3x प्लस 4 3x² विच इज इक्वल टू 0. तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है, जो इक्वेशन का जो वैल्यू है वो उसका जो पैरेंट इक्वेशन है, ये इसका पैरेंट इक्वेशन है. ओके, सो ये पैरेंट इक्वेशन से इसका वैल्यू काफ़ी हट गया है. ठीक है, मतलब ये इसका इसका जो सोल्यूशन होगा और इसका सोल्यूशन होगा, दोनों का सोल्यूशन टोटली डिफरेंट होगा. ठीक है, सो एज सच दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं होगी, दोनों के रूट्स सिमिलर नहीं होंगे. सो डेफिनेटली ये सिमेट्रिक तो नहीं है. ओके, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर ट्रांजिट. सो ट्रांजिट में हमको क्या बोला गया है, ट्रांजिट में बोला गया है कि अगर जो रूट्स उसके सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसके दोनों रूट्स, लेट्स सॉल्व इट. ओके, आपको एस सच नहीं समझेगा इतना इजीली. सो लेट्स सॉल्व. सो अभी हमको क्या बोला गया है कि ट्रांजिटिविटी फाइंड करनी है. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे इसमें 3x माइनस 4xy प्लस 3y² 3 के साथ प्लस y² माइनस y², ये हो गया 0, ये हो गया y² माइनस 4xy प्लस 4y² माइनस y² इक्वल टू 0, विच इज इन टर्न इक्वल टू ये a² माइनस b² a माइनस b द होल स्क्वायर के टर्म्स में आ गया तो x माइनस 2y द होल स्क्वायर माइनस y² इक्वल टू 0. ये हो गया a² माइनस b² इक्वल टू 0 के टर्म्स में, तो इसको हम लोग a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म्स में लिख सकते हैं. ओके, सो ये हो गया x माइनस 2y माइनस y इक्वल टू इन टू प्लस y इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम लोग अभी x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं. यहाँ पे आ गया x माइनस y इक्वल टू 0 और x यहाँ पे माइनस 3y आ जाएगा और यहाँ पे होगा x माइनस y इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये इक्वेशन का डिडक्शन है, ये इक्वेशन का डिडक्शन है. ठीक है, इसका वैल्यू 0 आने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या. ओके, सो ये तो हो गया x इक्वल टू 3y विच इज y इक्वल टू x बाय 3. ओके, और ये हो गया x इक्वल टू y. ओके, सो अभी ये ट्रांजिट है क्या, हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स डाल के इसको चेक कर दें. ओके, सो 3 का मल्टीपल लेंगे तो हमको कैलकुलेशन का काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा. 3 का जो क्लोजेस्ट मल्टीपल है, हम लोग अगर x का वैल्यू 3 ही ले लेते हैं, इफ़ x इज 3, ओके x इज 3 तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको 1.
ओके, और दूसरा कोई वैल्यू लेते हैं कि इफ एक्स इज वन, सॉरी ओके 3 1, सो इफ एक्स इज 9, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 9 लेते हैं तो वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको 3, ओके तो इसको हम लोग अगर ऐसा सेट करेंगे 9 × 3 और 3 × 1 कि पहले अगर 9 to 3 जा रहा है, 3 to 1 जा रहा है, तो 1 to 9 भी जाना चाहिए, ओके तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे तो हमको वाई 9 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसके वजह से हमको ये प्रूव कर सकते हैं कि जो ट्रांजिटिविटी है इसका कंसेप्ट ये नहीं सॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज बेसिकली वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट, ओके। सो आपको समझ गया कि ये राइट कैसे है, ठीक है, कंसेप्ट क्या यूज़ किया हम लोग ने, आपको वो भी समझ गया होगा। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम रिलेशन, बट इसमें एक्चुअली मिक्सर किया गया, कॉम्प्लेक्स का भी थोड़ा कंसेप्ट यूज किया गया इसमें, ठीक है। सो लेट्स सी कि हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या, मतलब ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं, ट्रिक या कुछ, कि ये क्वेश्चन हम लोग अराउंड 5 to 10 seconds में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो सेकेंड क्वेश्चन था और थर्ड क्वेश्चन था, आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होंगे तो आप अराउंड मतलब इजीली 10-20 seconds में क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। आपको कुछ डाउट होगा कंसेप्ट के बारे में या आपको डिटेल में कोई कंसेप्ट सीखना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम लोग उसको और उसके ऊपर स्पेसिफिकली एक वीडियो बना के मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो और डीप में, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्स, आपका अगर रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होगा तो आप लोग और वीडियोज़ बना सकते हैं और अच्छा और बेहतरीन कंटेंट आपको फ्री में दे सकते हैं, ओके। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोलता है कि हमको दो सेट्स दिए गए हैं, ए वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और वो जेड का इक्वेशन दिया है x³ - 1 = 0, और बी बिलोंग्स टू जेड वेयर उसका जो रिलेशन दिया गया है, रिलेशन दिया गया है x² + x + 1 = 0, ओके। तो जेड इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो वॉट इज ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो दोनों के रूट्स क्या सिमिलर है, ठीक है, जो रिलेशन हमको दिया गया है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो बेसिकली इंटरसेक्शन मतलब दोनों में चीज़ें में कॉमन क्या है, तो दोनों के कॉमन रूट्स हमको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो दो इक्वेशंस क्या दिए गए, एक तो है x³ - 1, ओके। सो ये दिया गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x - 1, ओके x² + x + 1 = 0, a³ - b³ का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, सिंप्लीफाई किया है, फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे हो गया x = 1, ओके, और ये जो है, ओके, सो इसका जो मतलब इसके जो रूट्स है, बेसिकली इसके रूट्स एक्चुअली मतलब आप हम लोग जब भी ओमेगा का वैल्यू फाइंड करते हैं, मीन्स ओमेगा इज √1, ठीक है, तो √1 फाइंड करते हैं तब हम लोग ओमेगा के टर्म्स में इक्वेशंस को ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हमको वहाँ से मिलता है कि x² + x + 1 का वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, ओके। सो ये चीज़ आप रट भी सकते हो या इसमें कंसेप्ट भी काफ़ी इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम आपको जो इसके पीछे वाला कंसेप्ट है वी विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, जो नोट्स होंगे आपको नोट्स रेफर किए जाएंगे। सो आपको अगर इसके बारे में कैसे यहाँ से यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, आपको डिटेल में कंसेप्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, फाइन। सो जो x² + x का मिल गया हमको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और 1, ओके। और दूसरा जो b है, b का क्या है, b का तो सिंपल है, b का जो इक्वेशन है वो x² + x + 1 = 0 है, जिसके हो गए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर,
ओके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली ओमेगा का वैल्यू ही ये होता है माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, ठीक है, ये तो बेसिकली मतलब वहाँ से ही आया है। तो सो पहले वी विल फाइंड द रूट्स, रूट्स इन दोनों में कॉमन रूट्स क्या है, एक तो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दोनों में है तो इसके वैल्यू मिलेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओके सो एज सच हम लोग का ओमेगा के बारे में इतना बात हो गया है, सो इट इज अ थिंग दैट वी शुड गो फॉर इट, ठीक है। सो एज अ मीन्स ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट ले लेते हैं और क्या करते हैं, ओमेगा का जो कंसेप्ट है, ओमेगा का कंसेप्ट भी मैं तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एज अ बोनस टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टॉपिक्स नहीं एक्सप्लेन करते, हम लोग एमसीक्यू से रिलेटेड उसके ट्रिक्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ट्रिक तो हमको पता चल गई, उसके क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो इक्वेशन है उसको ये कर दिया, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रूट्स है, उसके कॉमन रूट्स हमको फाइंड कर लिए एंड वी कैन सॉल्व इट, ठीक है। इसका और एक तरीका क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ओके, इसके रूट्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इसके रूट्स आप जो आपका फॉर्मूला होता है रूट्स फाइंड करने का, ओके, उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो इसके फॉर्म में जो क्वेश्चन के फॉर्म में है, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में यू कैन गेट द आंसर, ओके। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ओके। तो इसमें आपका ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका वन है, ओके, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू भी आपका वन है, ओके, और सी का वैल्यू भी वन है, ठीक है। सो ये चीज़ें आप डालोगे तो आपको ये जो रूट्स है इसके वैल्यूज मिल जाएंगे, ओके। सो टुडे इन दिस सेक्शन वी विल सॉल्व दिस मच ओनली, ओके, इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस मोर फाइव क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथ्स विच आर मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड फाइंड न्यू टेक्निक्स और न्यू ट्रिक्स और हाउ यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस मोर इजीली, ओके। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।